हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर के जो फिजिकल चल रहे हैं उसके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ, एक एक चीज़ को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को यहाँ पर बोलना चाहता हूँ जो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आगे आने वाले दिनों फिजिकल देने वाले हैं, वो बच्चे जरूर ध्यान से देखें इस वीडियो को। जो ट्रेड्समैन ड्राइवर का फिजिकल दे चुके हैं वो बच्चे भी जरूर देख ले। दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि इस वीडियो में आपको एक स्पेशल बात बताने वाला हूँ कि बैक डेट कितनी बैक डेट तक आप यहाँ पर फिजिकल दे सकते हो, बिल्कुल एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही बता दूँ मैं आपको कि आपका जो फिजिकल लास्ट दिन था कल नरकटियागंज का, उस मतलब आज लास्ट दिन है उस नरकटियागंज का, उसका पूरा डिटेल में मैं आज आपको डिटेल पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ, विथ कॉल रिकॉर्डिंग, विथ कॉल रिकॉर्डिंग। और विथ कॉल रिकॉर्डिंग आपको ये भी सुनवाने वाला हूँ दोस्तों कि आपको फिजिकल कब से स्टार्ट है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे फिजिकल देने आए देकर आए ना, उन बच्चों ने खुद मुझसे बात की और वो बच्चे खुद बोल रहे सर आपके इतनी तारीख से ये कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल स्टार्ट है। तो यदि इतनी तारीख से कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फिजिकल स्टार्ट है तो एडमिट कार्ड कब आएगा वो मैंने वीडियो में बता रखा सुबह से ही, और फिर से वीडियो जैसे एडमिट कार्ड आएगा सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी के साथ आपको वीडियो डाल दूंगा। तो आप टेंशन फ्री होकर इस यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो भी आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिले वो आपको सही से मिल सके। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले तो मैं बता दूँ आपको आपके नरकटियागंज के अंदर कल आपका लास्ट दिन का फिजिकल था, तो आप सोच सकते हो तो नरकटियागंज में कल फिजिकल था, उसका लास्ट फिजिकल था। भाई मैं बता दूं आपको उस बंदे को यहाँ पर डेट बैक डेट का फिजिकल था। तो सबसे पहले मैं बैक डेट वालों की यहाँ पर बात कर लेता हूँ। देखो मैं बता दूं आपको, आपकी डेट चाहे कोई भी हो, कितनी भी बैक डेट हो, आप यहाँ पर फिजिकल दे सकते हो दोस्तों। केवल आपसे इतना ही काम वो करवाएंगे दोस्तों कि आपसे वो बोलेंगे एक आप एप्लीकेशन लिख दो, आपसे वो एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे और एप्लीकेशन के माध्यम से आप वहाँ पर फिजिकल दे सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन वाले बच्चे वो भी ध्यान से सुन लो, किसी बच्चे को मान लो कोई प्रॉब्लम हो, कोई पर घर पर जरूरी काम हो या फिर कोई चोट वगैरह या जो आप बीमार वगैरह हो, तो वो बच्चे ध्यान से सुन लो, आप 5 दिन या 7 दिन लेट फिजिकल हो गया आपका तो भी आप इसमें फिजिकल दे सकते हो दोस्तों। ये बात स्पेशली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फिजिकल दे सकते हो, केवल आपको वहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखनी होगी। अब बात आती है यहाँ पर कि आपके एडमिट कार्ड और फिजिकल कब से स्टार्ट है। देखो मैं कह दूँ आपको, जो मेरे पास अपडेट आई है 4 से 5 अप्रैल को आपके यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब कई बच्चे बोलेंगे सर एडमिट कार्ड, भाई मैं बता दूँ आपके 5 दिन पहले भी एडमिट कार्ड यहाँ पर आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 5 दिन पहले एडमिट कार्ड देंगे, आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यार उन्होंने 2 साल का आपको टाइम दे दिया है। अभी आपका एसएसबी बता दूँ इतना फास्ट प्रोसेस कर रही है आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल वहाँ पर साफ साफ बोल रहे हो, सबसे पहले आपका कुक का यहाँ पर फिजिकल और वेटेंद्री का फिजिकल चलने की बात अभी चल रही है, मतलब कुक ट्रेड और आपके वेटेंद्री के फिजिकल यहाँ पर होने की अभी जो पूरी पूरी चर्चा है वो चल रही है दोस्तों। ये बात मैं आपको स्पेशली बताना चाहता हूँ। अब एक बात बता दूँ मैं, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर वाले ध्यान दो दोस्तों, आप सबके लिए फ्री कोर्स यानी फ्री आपको पीडीएफ आपको उपलब्ध कराऊंगा बिल्कुल फ्री। जब आपके फिजिकल पूरे हो जाएंगे तब आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, जिसके अंदर जीके आपका मैथ रीजनिंग और हिंदी का पूरा चारों सिलेबस आपके इसके अंदर मिलने वाला है बिल्कुल फ्री, एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा दोस्तों। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे। बात करते हैं यहाँ पर कांस्टेबल ट्रेड्समैन और ड्राइवर में कितने एक बच्चे पास हुए। देखो मैं बता दूँ आपको, जब अलवर ग्राउंड का लास्ट फिजिकल हो जाएगा, जब अदर ग्राउंड के जिस लास्ट दिन आपका फिजिकल हो जाएगा ना, उस दिन आपको ड्राइवर में कितने टोटली बच्चे पास हुए वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ये बात आप स्पेशली ध्यान रखेंगे दोस्तों। कॉल रिकॉर्डिंग के ऊपर, कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से पूरा आपको एक एक चीज यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई एसएसबी कांस्टेबल ड्राइवर एसएसबी रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर देता रहेगा और आगे भी इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन निकालने का आपका भाई आपके लिए काम करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को शेयर जरूर करें मेरे दोस्तों। अब बताइए 92 में 41 फीट हुआ, दौड़ में कितने आए? दौड़ में समझ जाइए कि वो आए थे आपको कितना, मेरे हिसाब से दौड़ में आए थे 48। अच्छा हाँ, वो बाद में हाइट में उड़ाया किस चेस्ट में? हाइट चेस्ट में उड़ा दिया। अच्छा, तो देखो हाइट तो कम है जो है, चेस्ट की तो बात अलग है पर। हाँ, चेस्ट में भी कमांडेंट अपील करवा रहा है जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्ती कह रहा है अपील करो। अच्छा, अपील करने के बाद डीआईजी आ रहा है, डीआईजी नाप रहा है। अच्छा, हाँ मतलब इतना कोऑपरेट कर रहा है सब, तब भी डीआईजी ने खुद नापा ना, तो 6 लड़के थे, 6 में किसी का नहीं हुआ चेस्ट। अच्छा
जबकि इतना मतलब वो क्या कहते हैं आपको डिप्स भी मरवाया 50-50 सब कुछ, अच्छा वो उनको बच्चों को वो भी दिया, मतलब उनके कोई भी मतलब किसी का कुछ नहीं हुआ ही नहीं किसी का। नहीं वो तो चाहते भाई पास हो जाए, पर यार हो ही नहीं तो फिर क्या करें, हाँ, जिम्मेदारी तो उनकी भी है ना। और दूसरी बात की सर वहां ना 4 तारीख से ही कह रहे हैं सब कुछ चालू हो रहा है। 4 तारीख से फिज मतलब हाँ ट्रेड के क्योंकि चालू हो रहे हैं। हाँ, मतलब ट्रेड इसके वेटनरी के ही सबके, क्योंकि वहां ना कल तो खत्म हो जाएगा, आज खत्म हो जाएगा वहां सब कुछ, हाँ तो वो कह रहे हैं 4 से ही चालू है। और वहां सारे इधर उधर के आए हुए हैं, मतलब बोर्डिंग ये आपको कहते हैं अलग अलग बोर्ड से आए हुए हैं, एक जम दो तीन जम्मू कश्मीर के थे, एक दो अच्छा इधर उधर का, मतलब सारे इधर उधर के सिपाही हैं। अच्छा 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 और कमांडेंट है जो प्रवीण कुमार वहीं का है, और डिप्टी कमांडेंट है वो राजस्थान की है, लड़की है। हाँ अच्छा अच्छा और वो आपको क्या कहते हैं जो ये 2 IC है वो अच्छा असम उसाम का है कहीं का। अच्छा हाँ तो मतलब 4 तारीख को फिजिकल, तो वो तो बात बोलो ना, 27 आज शाम को या कल सुबह तक आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। अच्छा हाँ हाँ मतलब ये है कि वहां का खत्म हो गया है, मतलब वहां 4 तारीख से चालू हो जाएंगे फिजिकल्स। और ग्राउंड कैसा वहां का? बढ़िया है सर, वही 400 मीटर का है, मिट्टी का है बिल्कुल, और हाँ गीला कर देते हैं बिल्कुल पानी से उसको, बिल्कुल एकदम ऐसा है। वैसे जैसे जिस बच्चे की नॉर्मली 20 दिन दौड़ की हो वो बच्चा आराम से पास हो जाएगा हाँ ना। मैं हाँ सर मैं 6 दिन दौड़ के गया हूँ, आपको देख ही रहे हो आप आपके सामने। हाँ हाँ वो तो सही है, आपके पैर में चोट हाँ फिर थी। 6 दिन मेरा तो लेटर देख के बार बार क्लस जा रहे, तो लेटर देख के वो कह रहा भाई तेरे पास इतना दिमाग कहाँ से आया, हम तो नौकरी कर रहे हैं आज तक इतना कभी दिमाग नहीं दौड़ा है, अच्छा तेरे पास अच्छा दिल्ली हेडक्वार्टर से लेटर कैसे आ गया, तू दिल्ली हेडक्वार्टर से लेटर कैसे। वो सबसे बड़ी बात बता क्या, जो वो गृह मंत्रालय देख रहे थे ना भारत सरकार, और वो उससे क्यों समझ जा रहे थे कि इसने तो भाई हेडक्वार्टर तक फोन मिला रखा है, हेडक्वार्टर तक मेल डाल रखी है, अच्छा 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 इसको कैसे ये दिमाग इसको। उसने मेरे से पूछा, एक सिपाही ने मेरे से छीन लिया कागज, कह रहा यार तेरे पास इतना दिमाग कहाँ से आया, मैं कहा सर हाँ बस दिमाग आ गया अपने पास, मैंने सोचा कि मैं करके देखता हूँ कुछ रिस्पांस मिलता है कि नहीं, पर मुझे अच्छा रिस्पांस मिला था, अच्छा लगा मुझे। अच्छा कह अच्छा रहा है यार तुम यार बहुत, तो मैं कहा सर दिमाग मेरे पास बहुत है, बस वही है किस्मत साथ नहीं दे रही मेरी। सही है, अभी हाँ अभी तो तैयारी में लग जाओ यार, बेस्ट रहेगा काम। अच्छा हाँ हाँ वही है सर। अब गायत्री का ना, गायत्री का मतलब गायत्री वालों का सर था मेरा, 87 बैच नंबर था वो मेरा, बिल्कुल बढ़िया से उसने किया 12 के 12 चक्कर। जब मैंने 11 चक्कर लगा लिए ना, कह हाँ रहा है अरे भाई बहुत सही चल रहा है, खेसते रहे सहते रहे। और कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट हाँ जो राजस्थान की है मीना है हाँ वो, और ये सर प्रवीण सर, ये दोनों आदमी अलाउंस कर रहे थे हर चक्कर में टाइम, और दोनों के हाथ में स्टॉप वॉच था। अरे बस वही तो बात, टाइम पूरा दिया जा रहा है, ये बात दिमाग से निकाल हाँ देनी चाहिए, टाइम नहीं दिया जा रहा, टाइम तो बिल्कुल हाँ पूरा 24 मिनट दिया जा रहा है। 24 मिनट पूरा दे रहे थे, हाँ उसमें भी लड़के नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या चल रहा है, क्यों यार छोड़ वो जा रहे।